सर, डॉन बॉस्को एजुकेशनल जो आपकी संस्था है, इसके द्वारा किस तरह का स्कॉलरशिप एग्जाम कंडक्ट हो रहा है? क्या कुछ इससे फायदे होंगे बच्चों को, और पेरेंट्स के लिए क्यों इस तरह के स्कॉलरशिप जरूरी हैं? देखिए, बहुत सारे बच्चे क्योंकि एडमिशन फी की बोझ की वजह से काफ़ी सारे पेरेंट्स ये बच्चों को लेकर नहीं आते एडमिशन के लिए, और इस वजह से बहुत सारे अच्छे बच्चे जिनकी अब प्रतिभाएं अच्छी हैं, जिनका अच्छा टैलेंट है, वो आगे कर सकते हैं काफ़ी, वो पढ़ नहीं पाते, जिनकी वजह से हम लोग हर साल एक स्कॉलरशिप एग्जाम रखते हैं, जिसके अंतर्गत जैसे इस साल जो होने वाली है उसमें हम 100 बच्चों को एडमिशन फी पे 100% छूट दे रहे हैं। जो ये 6 मार्च को एग्ज़ाम होने वाली है, 10 बजे शुरू होगी और 1 घंटे की एग्ज़ाम होगी, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ऑप्शन होगा। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करते हैं, 100 बच्चों को हम 100% एडमिशन फीस वेवर देंगे, और उसके अलावा 2 बच्चे जो टॉप टैलेंट्स में आएंगे, उन 2 बच्चों को हम लोग 1 साल के लिए ना तो एडमिशन फ़ी लेंगे ना तो स्कूल फ़ी लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पेरेंट्स के लिए, ताकि वो आगे आएँ और अपने बच्चों को एक बार इस एग्ज़ाम में बिठाएँ, अगर उनके बच्चे क्वालिफाई होते हैं। करीब 500 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हमारा हो चुका है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उस दिन और भी वॉकिंस भी आएंगे, और इसमें से हमें सेलेक्ट करना है। तो ये प्लेटफॉर्म ऐसा हो जाता है जिसमें कि उन बच्चों को जिनको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है एडमिशन लेने की, वो इस लॉट में ले सकते हैं। सर, एडमिशन तो लेने की बात है, लेकिन स्कूल सिलेक्शन जो है वो भी आज के समय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि बच्चों को किस स्कूल में दें, क्या वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या बच्चों की नीड है वो फुलफिल कैसे होगी। इस सब मामले में डॉन बॉस्को को आप कैसे अलग पाते हैं और उसे? हमने पिछले 4-5 साल से हमारा मेन फोकस इस पे रहा है कि हम कंप्लीट होलिस्टिक डेवलपमेंट दें, और इनफैक्ट ज़्यादातर पेरेंट्स इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व कर चुके होंगे कि हमारे स्कूल में हमने सिर्फ एकेडमिक को फोकस नहीं किया है, इनफैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो सिर्फ स्पोर्ट्स नाम के लिए नहीं है, हमने स्पोर्ट्स में जो लेटेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करवाया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो टेनिस कोर्ट्स हैं, टेबल टेनिस है, बॉक्सिंग की फैसिलिटी है, बॉक्सिंग के लिए डेडिकेटेड कोच है। उसके साथ साथ हम इंडोर बैडमिंटन कोर्ट डेवलप कर रहे हैं, जो कि कहीं नहीं होगा सिवान में, और इसके अलावा हम लोग पिछले 3 साल से स्केटिंग का अपना बैच चला ही रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एकेडमी एक अलग मॉडल पे चल रहा है, जो कि वीकेंड्स पे अलग से प्रोग्राम भी होता है उनका, और स्कूल के करिकुलम के साथ स्पोर्ट्स भी इंक्लूडेड है। इसके अलावा हम लोग रोबोटिक्स लैब, जो कि अटल योजना के तहत हमें दिया गया था नीति आयोग